मुझे मालूम है कि बहुत से आपके साथी चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं गए होंगे, पर जो साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी हाउसिंग स्कीम का बड़ी देर से और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था, हाईकोर्ट का आदेश आज ही आ गया अभी कि उनको पुराने रेट पे ही फ्लैट मिलेंगे। जो 4000 लोग थे जिनको मकान नहीं मिले थे और प्रशासन ने जमीन का कहा था, तो उन सबको बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी है। तो कहते हैं ना कि शुभ काम की शुरुआत ही अच्छी हुई है। धन्यवाद हाईकोर्ट का कि उन्होंने कर्मचारियों की बात सुनी। बाकी रही सही बातें जो है हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखी हुई और हम सारी भूल गए। अब मैं चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी को कहूंगा कि 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी आए थे। 2024 में ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए। पिछले 10 साल से भारत सरकार दो ही आदमी चला रहे हैं और ये साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ की सीट के ऊपर अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। दूसरा, हमने आपको तकलीफ इसलिए दी कि परसों इसी मंच से मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ये कहा था कि 11 बजे हम उनका यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे। हम सब लोग 11 बजे यहाँ पे हाजिर हैं। मैंने पीयूष गोयल जी का बयान पढ़ा आज अखबार में। पीयूष गोयल जी की जो पिछले 5 साल लोकसभा में पिटाई हुई है, शायद उससे उभर नहीं पाए हैं। और जो उनकी उत्तेजना थी और अहंकार था, वो कल उनके मुख से टपक रहा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति संवाद का की आधार पे खड़ा है और जो व्यक्ति संवाद करने के लिए तैयार ना हो, वो व्यक्ति क्या इस लायक है कि उसको चंडीगढ़ की प्रतिनिधि करने के लिए लोकसभा में भेजा जाए। मैं ये चंडीगढ़ की जनता के विवेक पर छोड़ता हूं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में पूरी इंडिया अलायंस ने एकजुट होकर काम किया है। हमारे चुनाव प्रचार में श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री भूपिंदर हुड्डा, श्री कपिल सिब्बल और शशि थरूर, अनेकों लोग इस चुनाव, भूपेश बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी से मिलने का मौका मिला, श्री राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में आए क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनकी गोष्ठी में शामिल होने गए वो सारे चंडीगढ़ से ही थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से। सो इंडिया अलायंस के सारे नेता इस चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और ये एक संकेत देता है कि जो ये गठबंधन बनाया गया, ये गठबंधन जमीनी तौर पर पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ है। मैं लकी जी से कहूंगा और आलूवाली जी से कहूंगा कि अगर वो दो शब्द कहना चाहें, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो। एक आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से मंडी के साथी सुबह आए थे मेरे से मिलने के लिए,
उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया। मैं उनको आपके माध्यम से खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मंडी की जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्राथमिकता पे जरूर हल करें। पीयूष गोयल इज अ लायर एंड आई से दैट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीयूष गोयल लाइड टू यू यस्टरडे, LIED, ऑन माय ट्विटर देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ माय वोटिंग इन 2019। इट ऑल्सो हैज द फोटोग्राफ ऑफ माय कॉलीग हु सिटिंग राइट देयर हु वाज विद मी व्हेन वी वेंट टू वोट। सो मिस्टर पीयूष गोयल blatantly lied to you yesterday. Are you voting this time? Of course I will vote. And as I said, that my vote will strengthen the India Alliance. देखिए, संजय टंडन को वोट डालने का मतलब अनिल मसीह को वोट डालना है जिसने चंडीगढ़ में लोकतंत्र का कत्ल किया है। A vote for Sanjay Tandon is a vote for Anil Masih who murdered democracy in Chandigarh. And that is a clear message which the voters of Chandigarh have imbibed. Ek minute. Do you think that Modi factor will play a role this time to the last two elections? Because they were winning election for PMC. Do you think this time? And I will add to it, they are claiming, BJP is claiming that this seat they are winning. That's why Modi is coming. This is what they are claiming. Well, the fact that Prime Minister Modi decided to give it a skip is very indicative of the fact that their internal assessments go as to go to show that they are losing and losing very badly. So therefore, under those circumstances, we will ensure that the voters of Chandigarh give a fitting response for the non-development in the past 10 years. देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब दे चुका हूं आपको कि जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है और वो सिद्धांत ये हैं कि आज देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, आज देश के लोकराज को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है और जो भारत का ख्याल है उसको भी खतरा है भारत के संविधान से, जो देश भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नामक चीज़ नहीं है और इसलिए हम लोग वहाँ पे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह पे इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत कीमती समय था, हमने आपको तकलीफ दी प्रचार के दौरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रिहैबिलिटेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के जितने छोटे छोटे कमरे, फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर गरीब जनता के लिए? तो आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट क्रीड पे नहीं होना चाहिए, ये बहुत ऐसी चीज है सर। और दूसरा चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है, तो ये चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए, वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर जिन कॉलोनियों में मैं गई सर, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ, अनाज में चलिए मेरे साथ, मलोया में सर चलिए, वहां पे पानी की हालत देखिए सर, दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहां सर कांग्रेस ने बंद करवाया सर, ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है। मतलब मैं चाह रही हूँ कि सर आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट, जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके। लेकिन आपने चैलेंज किया, मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं। सर मुझे ये तीन चीज़ों का जवाब चाहिए, सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए जो SC BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है
कि आपने अपने आप स्वयं भू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान में सुनिश्चित है। उसके बाद जो ओबीसी का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में विश्वनाथ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला, उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके पी वी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और जो ओबीसी का आरक्षण है 27% उसको अपलोड किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे जो आरक्षण है वो 49% से ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहाँ तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माय स्टैंड इज एब्सोल्युटली क्लियर। माय स्टैंड इज द स्टैंड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सुनील, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहती है, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है, वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। इनका स्टेटमेंट है, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ, ठीक एक दिन पहले कुछ दिन पहले बिल्कुल मोहन भागवत का सर संविधान को बचाने की बात कर रही है, बिल्कुल गठबंधन आम जनता की नजर में जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट बिल्कुल ये है इनकी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आती है कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए, तो ये मायावती जी की स्टेटमेंट है। सुन लीजिए कि मायावती एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते, और ये मायावती जी में आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें, आप तो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते, ये लोग, इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठग बंधन इसको कह रहे हैं तो दर्द हो रहा है, बिकॉज़ दे हैव नेवर वर्कड, दे हैव इन्हें नॉट कॉलोनीज में बस्ती में काम नहीं किया है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भैंजी पे टिप्पणी करना, आप ये बता दीजिए आपकी सरकार नहीं थी, एससी एसटी सब लाइन पे बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ, आप भैंजी पे बात कर रहे हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है, अब हम बीजेपी के बिल डेट बता देंगे, ये काम में ठग बंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों, ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते, जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देनी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वो सोशली ऑप्रेस्ड जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बैकवर्ड समाज के खिलाफ है,
गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। बहन जी भी टिप्पणी करना बदर, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों में बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ, लोग रो रहे हैं स्किन डिजीजेस से जो डंपिंग जोन बना है यहाँ पे डड्डू माजरा के पास, लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया, दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को, गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ मालिकाना अधिकार इतने देर से मिले, सुनिए मैं क्यों ना कहूँ ये ठग बंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो क्या हो रहा है? सवाल ले लीजिए आप। ऐसा ऐसा है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीच में आप आई हैं, मैं बीच में नहीं आई, नहीं आप ये एंडेड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप एंडेड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी पीसी जो मीडिया, आप मीडिया से हैं, तो मीडिया से ऐसा ही है, एंड से नहीं सकते तो जाने जाने सवाल लेंगे, आप सवाल लेंगे, आप सवाल लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे, बट मैं पहले जवाब लेंगे, आप से पूछो, आप से पहले कांग्रेस की सवाल जवाब ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप मायावती जी पे एलिगेशन लगाना, हमें भी दे दिखाना, सवाल हो गए कि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी तरफ से एक राजनीतिक भाषण दिया। लोकतंत्र में हर आदमी को यह हक है कि वे आपने भाषण देना बाहर जाके दी थी, आप ये बताइए कांग्रेस बताइए कहां मालिकाना के देके गई है, वहां बीजेपी देके गई है, हमने कहा चैलेंजिंग दी पार्टी, बताइए जवाब दीजिए, सब मीडिया वाले बताइए कितने बात कर रहे हैं, एक मिनट मैडम जी, मैडम जी ये कहने वाले बात लग रही है, उनको लखने दीजिए, मैडम उनको लखने दीजिए, मैडम उनको लखने दीजिए, आपने रख ली है, बिल्कुल सुनिए पहले, आप उनसे बात लखने दीजिए ना, सवाल पैसों से आ जाओ, चले 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 इनके पास जवाब आप दंगा करने करके चली गई, इन्होंने मालखाना हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को, बीजेपी वाले 10 साल राज करके चले गए, कोई मालखाना हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को, जवाब दीजिए दोनों पार्टी को, घूमने बनाते भाजी पिछे कर लो मोबाइल यार, इन्नी बार कह ला मोबाइल पिछे कर लो, पिछे आई जा रहा बार बार, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह आजादी है कि अपनी बात करें। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो पूरी इंडिया अलायंस है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई लड़ रही है कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए, जिस आधार पर ये मुल्क काबिज है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार है, उनकी 4 इंजन की सरकार रही, ऊपर गृह मंत्री, नीचे राज्यपाल, उनके 10 साल से सांसद, 8 साल उनका कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा, और पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लोगों को कॉलोनीज में रीसेटल किया गया,
वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए गए वो भी कांग्रेस के जमाने में हुआ था। और इससे अगर मैं पीछे जाऊं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी कि जब वो यहाँ पे आए और ये चंडीगढ़ शहर की जो सबसे आधुनिक शहर है पूरे हिंदुस्तान में उसकी संरचना की गई। तो इसलिए जब से चंडीगढ़ बसा है तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं वो अनेकों हैं। जो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शाम के 6 बज जाएंगे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस बिल्कुल पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। और मैं ये विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं वो कृपया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम न बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, सवाल के जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी भाग्य भाग्य कांग्रेस वाले भाग्य। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इन्होंने कहा कि संविधान को बचाना भारतीय सुनिए जो कह रहे हैं कि संविधान को बचाना एससी एसटी सब है। मतलब अपना बहस में और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और ये जो इतनी भीड़ आ रही है यहाँ पे ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये जो उत्तेजना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये हमारी जीत को पूरी तरह से उसकी पुष्टि करती है। मनीष जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपके लिए एक पत्र लिखा आपकी तारीफ करते हुए कि आप बहुत अच्छे सांसद भी हैं, आपने मंत्री के तौर पर भी देश को सेवाएं दी हैं, इसको कैसे देखते हैं? अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर चंडीगढ़ की जनता को अपील की है तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लेके चंडीगढ़ की जनता को अपील की। मनीष जी, आप बहुत कॉन्फ्रेंस में आके ऐसे आपको घेरा गया है कि आप कैसे देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, सुर्खियां बटोरना है, या क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। मनीष जी आप लंबे समय से चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी हुई। अब जनता को 1 तारीख को मतदान करना है, लगता है कि जनता भी आपकी इच्छा पूरी कर देगी? देखिए, इंडिया अलायंस इकट्ठा है, हम सर झुकाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपनी बात कह रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा। बहुत धन्यवाद।